ऑफ यूनिट, डेसिमल क्या है? एक सिस्टम है, हम लोग जो नंबर लिखते हैं वो डेसिमल सिस्टम में है। कैसे है बता रहा हूं मैं। जैसे मान लिया जाए हमने लिखा है वन, जहां ये वन से दो डिजिट का नंबर होता है तो हम बोलते हैं ये 10 टाइम्स बढ़ गया, फिर ये 100 टाइम्स बढ़ गया, फिर ये 1000 टाइम्स बढ़ गया। या वन से अगर 10 टाइम्स छोटा करें तो ये हो गया 0.1, नहीं और छोटा करें तो हो यस जाएगा 0.01, यानी जीरो ये वन 10th पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10th पार्ट, है ना। यानी कि जैसे जैसे आप डेसिमल के पहले और बाद में नंबर को बढ़ाते हो वैसे वैसे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ती है। चलो डेसिमल को हमने यहाँ रखा, यहाँ पे वन हुआ, तो इसका मतलब हुआ वन। लेकिन अगर मैं ये लिया तो ये क्या हुआ? 10 टाइम्स हो गया। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? 10 टाइम्स। अगर यहाँ पे ये ले रहे हैं तो क्या हुआ? वन के बाद क्या है? डेसिमल के कितने डिजिट तक है? ये दो, तो ये क्या होगा? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स हुआ। बच्चों ये समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे अगर हमने 3 0 लगाए तो ये क्या हो गया? 1000 times. 1000 टाइम्स। इसी तरह से अगर मैं 0.1 लिखा तो ये जैसे 10 टाइम्स हो रहा था वो यहाँ पे 10th पार्ट क्या हो जाएगा? 10th पार्ट, मतलब अब ये छोटा हो रहा है, 1/10। ये क्या होगा? 100th पार्ट। इसका मतलब क्या है? 100th पार्ट मतलब कि और भी छोटा हो गया। यहां पे अगर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000th पार्ट, और छोटा हो गया। समझ गए? क्या हो गया? ये और भी छोटा हो गया। तो छोटा डेसिमल का मतलब समझ में आ रहा है कि अभी जो हम लोग सिस्टम ऑफ जो नंबर पढ़ रहे हैं वो किस सिस्टम से बिलोंग करता है? डेसिमल सिस्टम। कौन सा है सिस्टम? डेसिमल सिस्टम। तो हम लोग जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं वो हमारा डेसिमल सिस्टम है। अब आगे पढ़ जाएं, आगे पढ़े हम लोग। यस सर चलो यस सर पहले नंबर को रीड करना जान जाओ। अगर मान लिया जाए हमने लिखा है 3 पॉइंट, तो इसको रीड कैसे करेंगे बच्चों? 3.14 पढ़ेंगे थ्री या पॉइंट थ्री वन पॉइंट फोर थ्री वन फोर पॉइंट पढ़ेंगे? वन फोर बिल्कुल फोर सही। हम लोग हमेशा 3 के बाद ये जो 1 और 4 है ना उसको हम डिजिट में पढ़ते हैं। 3.14, ठीक है? 3.14। पर्स में होगा पैसा बेटा, उधर। वेट अ मिनट, नहीं पता है। वेट वेट वेट, मम्मी को कल दे तो रहा था मैं इधर से पैसा, तो पॉकेट में देखो, ये लो, और दूसरे पॉकेट में जेंस में। यहाँ देखिए बेटा, तो 3.14 इसको रीड करेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 3.14, क्लियर है? 1 4 और ये पॉइंट के यस पहले जो सर नंबर है ना, पॉइंट के पहले जो नंबर है वो सब क्या था? होल नंबर है। 3 है, कंप्लीट नंबर है, मतलब इसमें कोई टुकड़ा नहीं है। लेकिन ये 1 बताता है 10th पार्ट, 4 बताता है 100th पार्ट, मतलब पूरा होल नहीं है। जबकि 1 अगर अकेले है तो 1 का मतलब क्या है? होल, पूरा का पूरा एक। तो आपको पता चला कि डेसिमल के पहले जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड होल पार्ट, एंड डेसिमल के बाद जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। क्लियर है? यस सर यस अब सर हम लोग बात करेंगे यस लाइक सर डेसिमल्स। अब हम बात करेंगे लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स के पहले कुछ और भी चीज कहेंगे हम। एक बात बताओ मुझे, जल्दी से आंसर चाहिए। टू मैंगोज, टू मैंगोज प्लस 5 गुआवाज कितने हुए? जल्दी सेवन बताओ। फ्रूट सेवन गुआ सेवन फ्रूट्स तो मैं आपको बताऊं कि ये सेवन फ्रूट्स मैं बताऊं कि मैंगोज और गुआवा क्या लाइक फ्रूट्स हैं? नो सर
तो जब लाइक फ्रूट्स नहीं है तो ऐड कर पाएंगे हम? नो सर। तो बच्चों मेरा तो कैमरा ऑन है ना, आपको चेहरा दिख के पता तो चलता होगा ना कि सर इज स्माइलिंग सो देयर इज सम इशू, पता चलता है आपको? बोलिए, कैमरा ऑन है या नहीं है मेरा? यस सर ऑन है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि टू मैंगोज एंड फाइव गुआवास, दैट मींस दीज टू आर डिफरेंट फ्रूट्स एंड यू कैनॉट ऐड, यू कैनॉट गिव वन नेम टू दीज टू अनलाइक फ्रूट्स। हाँ, अगर मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, तब आप बोल सकते थे सेवन फ्रूट्स और वो करेक्ट होता, लेकिन हमने तो फ्रूट्स पूछा ही नहीं, हमने तो बस बोला कि दो चोर और पांच पुलिस कितने हुए। तो तुम्हें तो चोर पुलिस में बताना था जो बता नहीं सकते, यानी कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का पता चला कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन भी और सब्सट्रैक्शन भी तभी होगा जब वो नंबर क्या हो, लाइक हो, जब वो नंबर क्या हो, लाइक हो। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 2.5 और 2.50 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? आपको लेफ्ट राइट बताना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है? लेफ्ट। लेफ्ट बड़ा है या छोटा है? सर बड़ा है। बोथ आर सेम। कौन बोल रहा है सेम? बड़ा है सर, सेम है दोनों सर, जीरो का कोई है, मतलब दोनों नहीं। सेम है तो याद रख लीजिए इस बात को। बोथ आर सेम। बिल्कुल सही है, तो याद रख लीजिए कि अगर हम नंबर के पीछे जीरो डालते हैं तो उस नंबर के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि 2.500000 ये बराबर है 2.5 के। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस। तो ये आप याद रखना कि yes, बस sir. इसमें जीरोस हमने ज्यादा बनाया है, इसमें नहीं है, तो मतलब पॉइंट के बाद आप जीरो ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि एक नंबर है 3, तो इसमें पॉइंट कहाँ पे है? 3 के कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट कहीं है कि नहीं है? बोलिए। नो सर। ये पॉइंट यहाँ पे है, 3 के जस्ट बाद, यानी ये होल नंबर के बाद क्या होता है, डेसिमल पार्ट स्टार्ट होता है और पॉइंट के बाद जीरो है। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, मतलब क्या है, जीरो है। तो 3 और 3.0000 आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। चलिए अगर मैं ऐसे बोलूं 0.2 और सिर्फ बोलूं मैं अगर इसको 0.00002, तो इसमें बताओ छोटा कौन है? सर बहुत आर सेम। बिल्कुल सही, दोनों सेम है, क्योंकि पॉइंट जो है अगर हम 3 के आगे 0 लगा दें या 3 रखें तो बात बराबर है, तो हम आगे भी 0 लगा सकते हैं और डेसिमल हो तब हम पीछे भी 0 लगा सकते हैं। समझ गए? क्या समझे हम लोग? डेसिमल अगर है तो हम पीछे भी 0 लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुड गुड। यस सर। वेरी गुड। चलिए तो अगर मैं ऐसे, मैं आपको एक और बात बताऊं, 0.2 और 0.2 इसमें ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है, कौन सा लिखना चाहिए हमें इन दोनों में? 0.2 लिखना चाहिए। बिल्कुल सही, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ये एक आइडिया क्लियर करता है कि होल पार्ट हमारा 0 है और डेसिमल पार्ट हमारा 2 है, और अगर होल पार्ट नहीं है यहाँ पे कुछ तो इसका मतलब 0 है, तो ये आपका क्लियर हुआ। तो चलिए अब आगे आते हैं। अभी हमने ये जो बात बोला था, आप लोग थोड़ा सा इसको एक बार स्टेटमेंट में बता दो कि मैं इसमें बताना क्या चाहता था, ये बताओ, बहुत जरूरी का चीज है इसलिए। कोई सेंटेंस है बताओ, व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू से। आवाज कट रही है बेटा आपकी, नेटवर्क इशू हो सकता है। बोलिए। नहीं आवाज आई अच्छे से, बोलिए बेटा। बोलिए, ये जो मैंने हाईलाइट किया, व्हाट एक्चुअली वांटेड टू बी एक्सप्लेन्ड बाय मी ऑन दिस टॉपिक, व्हाट इज ऐड सबट्रैक्ट लाइक, क्या है?
आई डू नॉट गेट दैट, प्लीज मुझे बताइए मैं क्या बताना चाहता था। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। तो मुझे आप लोग में से कोई बच्चा ये बताएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था? कुछ मैंगो गुआवा का एग्जांपल लिया था, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा था? बोलिए रोशन, अंकित, विनायक, तेजस, नमन, अनु सर, कैन आई? हाँ प्लीज तेजस। अगर दो मैंगो है और फाइव गुआवा है, अगर उसमें रहता टोटल कितना है, टोटल फ्रूट कितना है तो ऐड करेंगे, नहीं है तो उसको डेसिमल में लिखेंगे? ना 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 ना, डेसिमल में नहीं लिखेंगे, ऐड ही नहीं हो सकता अगर वो लाइक नहीं है। जैसे कि अभी एक मैसेज आया, बट एज आई हैव ऑलरेडी अलाउड यू ऑल टू अनम्यूट एंड से, तो मैं चाहता था आप लोग बोल के बताओ। मैसेज तो बहुत बार नहीं देख पाता हूँ, अगर मैं अभी स्क्रीन पे अपने आपको नहीं देख रहा होता तो आई कुड नॉट से कि कौन है, पर मैसेज मैं देखता हूँ जिन बच्चों का मैसेज आया है। तो वेट, यहाँ पे है यूनिट शुड बी सेम टू डू ऑपरेशन, ये अमन का मैसेज है एंड अमन इज करेक्ट कि जब कभी भी हम लोगों को ऑपरेशन करना हो, पर ऑपरेशन में एडिशन सब्सट्रैक्शन बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अबाउट मल्टीप्लीकेशन, इट इज नॉट अबाउट डिवीजन, तो आपको बहुत सारी चीज का ध्यान रखना होगा। यानी कि मैथ्स में जो लिमिटेशन है कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दीज टू फंडामेंटल ऑपरेशंस कैन ओनली बी डन विथ द लाइक टर्म्स, विथ द लाइक डेसिमल्स, विथ द लाइक वेरिएबल्स, विथ द लाइक यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। ओके, दो मीटर को चार लीटर, दो मीटर वायर में चार लीटर पानी जोड़ दे, क्या होगा बोलो? दो मीटर वायर में कुछ नहीं होगा। चार लीटर पानी को ऐड कर दे, चार लीटर तेल को ऐड कर दे, क्या होगा? कुछ नहीं, पता ही नहीं चल रहा है ना, अनलाइक है। तो अब मैं आपको बताता हूं, पहले डेसिमल्स को थोड़ा सा आसान करता हूं मैं। यह 2.3, यह 2.31, यह 2.099, यह है। अब आपको बताना है सबसे पहला काम, ये कितने नंबर मैंने लिखे हैं, 1, 2, 3, तीन नंबर लिखा है, और इन तीन नंबर में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कंपेयर करना है कि इन तीनों में कौन नंबर बड़ा है। तो कभी भी कंपेयर करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो क्या करेंगे, हम लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। बच्चों जरा सा यहां सुनना ध्यान से, किस में चेंज करेंगे? लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। और लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद यहाँ पे टोटल कितने डिजिट हैं बच्चों? तीन। तो हर एक डेसिमल के बाद हम सभी को थ्री डिजिट बनाने के लिए दो जीरो एक जीरो करके बना लेंगे। क्लियर है? यस सर, यस सर। और अब हमारा कंपेयर करना आसान हो जाएगा। अब बताओ इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, थर्ड। चलिए तो मैं एक बात बताऊं कि डेसिमल नंबर का कंपेयर तो तभी करेंगे जब होल नंबर में पता चल जाए कि होल नंबर में डिफरेंस नहीं है। यानी अगर होल नंबर ये 92 है तो ये बड़ा है इन दोनों से, तो डेसिमल इसके बीच में चाहे कुछ भी हो 92 ही क्या होगा, बड़ा होगा। क्या समझे? क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है वो 1 से छोटे हैं, वो क्या है, 1 से छोटा है, छोटे। ठीक है, तो पहले होल नंबर को हम देख लेंगे कि होल नंबर में बराबर है या बड़ा है, उसके बाद डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल सा लेकिन आपके लिए ये मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। तो आपके पास है 2 प्लस
3.12 प्लस 0.0196। बच्चों इसको हमें ऐड करना है, तो मैंने क्या बताया है ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा सर? जीरो डालना होगा? नहीं, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। किस में करना होगा? लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट। तो पहले ये बताओ टू के पास कहाँ पे डेसिमल है? सर टू के बाद, जस्ट बाद है। वेरी गुड। तो सभी डेसिमल को पहले सामने सामने लिख लेते हैं। यहाँ पे 3.12 है तो इस डेसिमल को भी हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे जो है पॉइंट के बाद क्या है 0196 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें दिख रहा है कि किसमें हमें जीरो और कहाँ हमें जीरो बढ़ाने हैं। बताइए टू पॉइंट के बाद कितने जीरो हमें बढ़ाने हैं? बोलिए। चार जीरो, इस सिक्स तक जाना है हमको। और 3.12 में कितने जीरो बढ़ाने हैं? दो। और अब ऐड करना मुझे लगता है अब आसान हो जाएगा सारे बच्चों के लिए, है ना सर? 5.1396। आप लोग बिल्कुल सही हैं, आपके आंसर सही हैं, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि क्या आप लोगों को अब ये ऐड करने में दिक्कत तो नहीं आएगा ना बच्चों? आपको ये पता चल गया ना कि टू के बाद पॉइंट है और उस पॉइंट को हमेशा हमें क्या रखना है? सामने सामने रखना है, और लाइक डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया, और अब जो ऐड होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे होता है, डेसिमल को सामने ही रखना है। और जो बच्चे ने कहा अभी आंसर 5.1396, उनका नाम बताइए। सर बबी। वेरी गुड, बधाई हो, बहुत सही है, आप सब लोग सही जा रहे हो। तो चलिए, हाँ बेटा, आप सभी लोगों को, आप सब ने किया है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? लाइक डेसिमल, और लाइक डेसिमल जान के हमने पता कर लिया कि इसमें अगर पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है तो वो लाइक डेसिमल है। तो अनलाइक क्या होगा, आप कोई बताएगा मुझे? अनलाइक का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज कॉल्ड अनलाइक डेसिमल? प्लीज, डेसिमल आर नॉट इक्वल नंबर। करेक्ट, डेसिमल नंबर्स आर नॉट ऑफ इक्वल नंबर्स। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे आते हैं। डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, टेंथ और हंड्रेड पार्ट में देखा था, और अब हमारे पास आ रहा है ग्रेटर स्मॉलर करने वाला नंबर, यानी कंपेयर करने वाला नंबर। तो मैं तो कंपेयर जानता ही नहीं हूं, तो मुझे पहले करना क्या होगा? कंपेयर करने के पहले क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेने होंगे बताइए? लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल्स नॉट फ्रैक्शंस। क्या करना होगा पहले? लाइक डेसिमल में, मतलब 0.6 है तो इसके हाँ जी हमें इसमें 0.6 के बाद एक जीरो बनाना होगा, ठीक है? और अब हमें पता चलेगा अब हमें पता कि अब इन दोनों में बड़ा कौन है? बताओ जी, बड़ा कौन है? 0.6।